गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन योर अकाउंटेंसी क्लास। अकाउंट्स के अंदर हम लोगों ने लास्ट हमारा एडमिशन चैप्टर कंप्लीट किया था एंड आई होप कि वो आपको समझ में आ गया सारा। नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, बार बार बोल रही हूँ ताकि मुझे भी पता चले कि आपको वो चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही है। अब क्लास हम लोगों का हमारा नेक्स्ट चैप्टर उठाते हैं हम लोग, जिसका नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। यानी कि अभी तक तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि अगर कोई पार्टनर हमारी फर्म के अंदर एंटर होता है तो हम लोग क्या क्या करेंगे अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। अब हमें ये पढ़ना है कि अगर कोई पार्टनर चला जाता है, जरूरी थोड़ी है कि आते ही जाएंगे भी तो सही, चाहे वो रिटायर होके जाए, चाहे वो किसी की डेथ हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, जाएंगे भी तो सही, वो कभी ना कभी सिर्फ आते थोड़ी ना चले जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि जब वो चले जाएंगे, जब वो रिटायर हो जाएंगे या उनकी डेथ हो जाएगी तो उस केस में आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा। सो कम क्लास, देखिए आपका न्यू चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें से हम लोग आज हमारा स्टार्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पहले हम लोग रिटायरमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डेथ पढ़ेंगे। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मींस दैट अ पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। सीजेस का मतलब होता है क्लास टू बी एन एंड, यानी कि वो ये बोल रहा है कि रिटायरमेंट का मतलब होता है जब एक पार्टनर जो है वो फर्म में से चला जाता है तो वो क्या कहलाता है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब पार्टनर भी रिटायर, अब उसके रिटायर होने के क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं हम वो देखेंगे। इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपकी ये फर्म है, इसके अंदर तीन पार्टनर्स हैं, मैंने तीन पार्टनर्स बना दिए ए बी एंड सी। सी को रिटायर होना है, सी ने बोला मुझे रिटायर होना है, तो इफ देयर इज एन एग्रीमेंट, मान लो कि जब सी एंटर हुआ था फर्म के अंदर उसी टाइम में इनका एग्रीमेंट हो गया था कि सी जो है वो इस इतने टाइम के बाद, दो साल के बाद, तीन से कोई भी एग्रीमेंट हुआ होगा कि इस टाइम पे सी जो है वो रिटायर हो जाएगा, वो फर्म से चला जाएगा। तो पहला पॉइंट आपका ये कह रहा है कि कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है। इफ ऑल अदर पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट, अगर और सारे पार्टनर्स एग्री हैं, ये कहते हैं कि भाई मुझे तो ना रिटायर होना है, सी कहते हैं मुझे रिटायर होना है, और बाकी के जितने भी पार्टनर्स आपकी फर्म में बचे वो एग्री है, तो सी आपका रिटायर हो सकता है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है, इफ ही हैज गिवन हिज कंसर्न इन राइटिंग टू रिटायर इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, अगर वो अपनी इच्छा से जाना चाहता है और अपनी विल के उसमें मतलब अपना रिटर्न देता है कि भाई ऐसे ऐसे करके मुझे प्रॉब्लम है, मुझे रिटायर होना है और मुझे जाने दिया जाए, तो उस केस में भी उसको कोई नहीं रोक सकता। अब आपने पढ़ा होगा अपनी बिजनेस स्टडीज में, पार्टनरशिप दो तरीके की होती है, एक एट विल होती है यानी कि अपनी इच्छा से, और एक होता है फिक्स, यानी कि आपका फिक्स टाइम होता है कि इतने साल बाद वो अपने आप रिटायर हो जाएगा, उसको वो अपने आप चला जाएगा बिना किसी के कहे। लेकिन एक होता है कि एट विल, ये आपका एट विल वाला पार्टनरशिप है, रिटायरमेंट है, कि वो अपना रिटर्न देता है कि हाँ भाई इसने एक रिटर्न दे दिया कि भाई मुझे ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है, मुझे रिटायर होना है, मुझे फर्म में वर्क नहीं करना है, और जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो सारे उसके लिए एग्री हो। सो क्लास ये तीन पॉइंट है जिन बेसिस पे आपका पार्टनर जो है वो रिटायर होता है। सो रिटायरमेंट क्या होता है, रिटायरमेंट की कब कब रिटायर हो सकता है पार्टनर वो देखा। अब आगे आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूं। लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी, यहां पे थर्ड पार्टी का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे जो मैं थर्ड पार्टी का मतलब बताना चाह रही हूँ कि एक फर्म है, मान लो आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, यहाँ पे स्टार्टिंग में फर्म है या तीन पार्टनर है ए बी और सी, ठीक है, उन लोगों ने क्या करा, थर्ड पार्टी से मान लो उन लोगों ने 15 करोड़ का लोन ले रखा है, तीनों ने मिलकर 15 करोड़ का लोन ले रखा है, लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग 15 करोड़ की लाइबिलिटी है जो कि उन्होंने थर्ड पार्टी से ले रखी है, कॉन्टिन्यूस टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब इन तीनों के ऊपर है कि जब तक सी चल रहा है, जब तक सी चल रहा है तब तक ये सी भी उस 15 करोड़ को लायबल है देने के, ये तीनों जो है ए बी और सी तीनों पे करेंगे इस 15 करोड़ को। लेकिन बीच में एक टाइम आता है, मान लो 30th September है, 30th September को सी कहता है कि भाई मैं तो अलग हो रहा हूं, मुझे रिटायर होना है, मैं यहां नहीं रह सकता, तो क्या अभी भी ये जो बचा हुआ टाइम है क्या सी लायबल है ये पे करने के या नहीं है, वो चीज ध्यान से देखना। ऑल्सो ही इज कंटिन्यूड टू बी लायबल है इवन आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायर होने के बाद भी, इफ आगे इफ लग गया है, यानी कि अगर सी मान लो चलता जा रहा है उसने कुछ नहीं किया
तो वो लायबल है, उसे पे करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन कब लायबल नहीं है वो देखिए, इफ पब्लिक नोटिस इज नॉट गिवन, अगर सी पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो वो लायबल है इस 15 करोड़ के रिटायर होने के बाद भी पे करने के। समझ में आई बात? इट मींस मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। किसको? या तो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को देना पड़ता है, नोटिफाई करना पड़ता है, या फिर इंग्लिश या लोकल न्यूज़पेपर में बताना पड़ता है कि मैं इस फर्म से रिटायर हो रहा हूं। अगर उसने नहीं दिया पब्लिक नोटिस तो जो ये 15 करोड़ है इस टाइम पे फिर सी लायबल होगा, सी भी जेल जा सकता है अगर सी ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो। समझ में आया? इन केस फ्यूचर में आप लोग कभी पार्टनरशिप करें तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पब्लिक नोटिस देना बहुत जरूरी होता है। अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो आप जेल जा सकते हैं। ओके मैम, समझ में आ गया। अब कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन पुट अप होता है, मैं उस क्वेश्चन का भी आंसर करना चाहूंगी कि मैम कुछ बच्चे होते हैं वो ये पूछते हैं कि सी जो है वो रिटायर होना नहीं चाहता, लेकिन जो ए और बी है वो दोनों चाहते हैं कि सी हमारी फर्म से रिटायर हो जाए, चला जाए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये आपके पार्टनरशिप एक्ट के अगेंस्ट है। ऐसा नहीं हो सकता, जब तक खुद सी नहीं चाहेगा तब तक सी रिटायर नहीं हो सकता। सिर्फ ए और बी के कह देने से सी रिटायर हो जाए वो नहीं हो सकता, यानी कि बचे हुए जितने भी पार्टनर्स है रिमेनिंग पार्टनर्स के कहने से कोई भी पार्टनर रिटायर नहीं हो सकता, जबकि जब तक खुद रिटायर पार्टनर जो है कह दे कि हाँ भाई मुझे रिटायर होना है। ठीक है, इतना समझ में आया। और ये जो आप लोगों ने, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जब तक वो खुद नहीं चाहेगा कि उसे रिटायर होना है, उसको कहते हैं एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। क्या कहते हैं? एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, 1 मार्क्स में आ सकती है। आगे आइए। अब क्लास मैंने आपको इस टॉपिक का बेसिक बताया, रिटायरमेंट होता क्या है, कैसे कैसे रिटायर हो सकता है, उसके ऊपर लायबिलिटी कब तक होती है, कैसे होती है, कब हटती है लायबिलिटी, मैंने आपको ये क्लियर करा। अब हमें इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। इससे तो बोर हो गए ये पॉइंट सुन सुन के, तो है ना, कि हमने स्टार्टिंग में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देखा, फिर हमने एडमिशन में देखा, अब रिटायरमेंट में भी यही पॉइंट आ गया। करेक्ट, सेम पॉइंट है बिल्कुल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी आ गया, वही है सेम, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका चेंजेस आएगा क्योंकि इस बार रिटायर हो रहा है, आ नहीं रहा पार्टनर। और इसमें हम लोग गेनिंग रेशो निकालेंगे। जब हम लोग एडमिशन करते थे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते थे, लेकिन जब पार्टनर जा रहा है तो खुश हो रहे हैं बचे हुए पार्टनर की, वाह उसके जाने से जो उसका बचा हुआ शेयर है वो हमें मिल जाएगा। तो ये इसमें गेनिंग निकलता है और एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग। ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व बिल्कुल सेम है जो आप एडमिशन में करके आए हैं, एज इट इज। सारे आपके जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो सारे सेम है फ्री रिजर्व के। ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड लॉसेस एज इट इज सेम, डिट्टो एडमिशन के जैसे। रिवैल्युएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज सेम, सारा बेसिक सेम है। रिवैल्युएशन का भी वही, आपका नुकसान हो रहा है तो डेबिट, फायदा हो रहा है तो क्रेडिट, वही सारी चीजें देखनी है। अब आता है आपका मेन पॉइंट इस चैप्टर का, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल को एडजस्ट कैसे करोगे, जिसके अंदर आपको 4 केसेस पढ़ने हैं इस बार। एडमिशन में हमने पढ़े थे 2 केसेस, लेकिन रिटायरमेंट में हमें पढ़ने हैं 4 केसेस। एंड द लास्ट पॉइंट इज योर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, कि जब पार्टनर जाता है तो जो उसका पैसा होता है वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसका लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो आइए क्लास, आज हम लोग हमारा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट देखेंगे इस वीडियो के अंदर, और आपके टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस के साथ ही देखेंगे। आइए, सो क्लास हम लोग हमारा पहला पॉइंट उठाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अभी तक हम लोगों ने कसम खाई थी कि हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना ही निकालना है हर क्वेश्चन में एडमिशन में। उसी तरीके से रिटायरमेंट में आप लोगों को कसम खाने की, क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप होगा आपका गेनिंग रेशो का, कि आपको गेनिंग रेशो निकालनी है कि पार्टनर ने कितना गेन किया है। जब कोई पार्टनर आता है, कोई न्यू पार्टनर आता है, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपना शेयर। और अब यहाँ पर जब कोई पार्टनर जा रहा है आपकी फर्म से, तो आप तो खुश हो रहे हो कि हाँ भाई हमारे घर से जा रहा है तो हमें ज्यादा शेयर प्रॉफिट का मिलेगा। तो वही चीज हमें करनी है यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखिए, न्यू रेशो यानी कि न्यू शेयर ओल्ड रेशो माइनस गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो का क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। सैक्रिफाइसिंग का क्या करते थे? ओल्ड माइनस न्यू करते थे, तो गेनिंग का उल्टा हो जाएगा। ये बात मैंने आपको एडमिशन में ही बताई थी क्लास,
कि उसमें भी प्लस माइनस में आते थे, आपके आते थे शेयर्स जो होते थे, वही इसके अंदर है आपका, माइनस में आया तो गेन, प्लस में आया तो सेक्रीफाइस। अब देखिए क्लास, आपको क्या करना है, न्यू माइनस ओल्ड करना है। अब आइए, अब इसके अंदर तीन केसेस हैं, पहले हम तीनों केसेस देखते हैं, फिर हम लोग हमारे टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस उठाएंगे। सबसे पहला केस, व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट गेनिंग और न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। जब आपको क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि गेनिंग और न्यू रेशियो न्यू पार्टनर्स की क्या है, ना न्यू रेशियो दे रखी ना गेनिंग रेशियो दे रखी। एग्जाम्पल देखिए, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, उनकी आपको रेशियो जो दे रखी है, इस बार आपको फ्रैक्शन में दे रखी है, क्या 3/8, 1/2 एंड 1/8। कोई बात नहीं, हम लोग एलसीएम लेके इनका रेशो निकाल लेंगे क्योंकि हमें एलसीएम आता है। नेक्स्ट, कौन रिटायर हो रहा है, जेड रिटायर हो रहा है, सो यू हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। ओके, एग्जिस्टिंग रेशो बिटवीन एक्स वाई एंड जेड आपको फ्रैक्शन में दे रखी है, इनका एलसीएम लीजिए, टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो इनका रेशो आ गया 3:4:1। आई होप यू आर इन अ 12th क्लास, एटलीस्ट यू नो हाउ टू कैलकुलेट द एलसीएम क्लास। अब मैं यहाँ 12th क्लास में आपको एलसीएम निकालना नहीं सिखाऊंगी, रिमेंबर दिस, एलसीएम निकालना हम लोग 8th क्लास में सीखते हैं, सबको आता होगा। आगे देखिए, जेड का शेयर कितना था, 1/8 था। अब जब जेड का शेयर 1/8 है तो इस बार जेड जा रहा है ना, तो जेड को इस तरीके से क्रॉस कर दो, जेड को क्रॉस कर दो, ताकि आपको पेंसिल से क्रॉस कर दीजिएगा अपनी नोटबुक में, ताकि आपको याद रहेगा कि कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है। अब आगे, जेड चला गया तो एक्स और वाई गेन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो चला गया तो कौन गेन कर रहा है, एक्स और वाई गेन कर रहा है, बट वो गेन कर रहे हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो हम लोग निकालेंगे कैसे, जो जितना उसका शेयर था, जितना जेड का शेयर था, दोनों के दोनों ने अपने अपने हिस्से में रख लिया, अपने सामने रख लिया। अब एक्स ने तो कहा कि भाई मैं 3/7 लूंगा, क्यों, क्योंकि इनका न्यू रेशो क्या हो गया, 3:4 हो गया ना, ये चला गया तो न्यू रेशो 3:4 हो गया। तो इसने बोला कि भाई मैं क्या करूंगा कि मैं 3/7 हो गया और इसका हो गया 4/7, तो कह रहा है मैं 3/7 लूंगा, ये कह रहा है मैं 4/y, कह रहा है मैं 4/7 लूंगा, तो इन लोगों ने 1/8 को 3/7 और 4/7 में क्या कर लिया, डिवाइड कर, मतलब इन लोगों ने 1/8 का 3/7 निकाल लिया और 1/8 का 4/7 निकाल लिया, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3/56 और 4/56, तो रेशो विल बी 3:4, कितनी आई, 3:4। ऐसे ही आप गेन न्यू शेयर निकाल लेंगे, न्यू शेयर में क्या है, एक्स न्यू शेयर और वाई न्यू शेयर, ओल्ड प्लस गेन क्या था, ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, ओल्ड कितनी थी इनकी, इनकी ओल्ड थी 3/8 प्लस 3/56, न्यू थी गेनिंग थी। इसी तरीके से वाई की क्या थी, ओल्ड थी इसकी 1/2, ओल्ड कितनी थी इसकी, कौन रिटायर हो रहा है, जेड हो रहा है ना, एक्स वाई जेड, हाँ तो जेड का तो 1/8 है, 4/8 तीन, हाँ ठीक है, क्या है इसका रेशो, 4/8 है ना, ये देखो ये रहा, एलसीएम लेने के बाद कितना आया था, 3:4:1 था, तो कितना हो गया, 4/8 हो गया ना इसका, और इसका क्या था, 3/8 था, ओल्ड की बात कर रही हूं मैं, ओल्ड रेशो की, तो ओल्ड में तो 1 भी ऐड होगा, तो 8 आ गया ना नीचे का एलसीएम, तो 3/8 और इसका 4/8, इसमें हम प्लस करेंगे गेनिंग, गेनिंग कितना था इसका, 4/56, तो ये मैंने 4/56 इसमें ऐड कर दिया, तो आपका आ गया न्यू रेशो। और क्लास इसका एक सबसे बड़ा लॉजिक बताती हूँ मैं, सबसे बड़ा लॉजिक आपका केस नंबर 1 का ये है कि जब आपको कुछ भी ना दे रखा और आपको न्यू रेशो और गेनिंग रेशो निकालनी हो, तो इतना तो आप भी सोचोगे कि मान लो कि 3:4:1 रेशो है, अगर इसमें से एक चला गया तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यू रेशो 3:4 होगी और गेनिंग रेशो 3:4 होगी। समझ में आई बात, कि अगर एक चला गया तो बचा हुआ जो रिमेनिंग है वो आपका दोनों का गेनिंग और न्यू रेशो हो जाएगा। अब अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मान लो एक्स चला गया, 3:4:1 रेशो है और एक्स चला गया, तो न्यू रेशो क्या हुई वाई और जेड की, 4:1 हो गई, और गेनिंग रेशो क्या हो गई, 4:1 हो गई। तो इस केस के अंदर ये एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि जब एक पार्टनर चला जाता है तो जो रिमेनिंग रेशो होती है ना, वही आपकी गेनिंग रेशो होती है और वही आपकी न्यू रेशो होती है। ये आपके लिए बहुत बड़ा एक वरदान कह लो कि है, आपको निकालना नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक नंबर में आता है तो आपको निकाल के भी दिखाना पड़ता है, कैलकुलेशन जरूरी है। आगे आइए, केस नंबर 2 पे बढ़ते हैं हम लोग। व्हेन इन्फॉर्मेशन अबाउट गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इज गिवन, इस बार आपको गेनिंग रेशियो की इन्फॉर्मेशन गिवन है रिमेनिंग पार्टनर्स की, तब आप क्या करोगे, सिर्फ गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो गिवन नहीं है। देखिए एग्जांपल, एबीसी पार्टनर है 4:1 से,
ए रिटायर हो गया, तो मैं ए को क्रॉस कर दे रही हूँ, पेंसिल से क्रॉस करना याद रखना ताकि आपको पता रहे कौन रिटायर हो रहा है। एंड हिज शेयर टेकन बाय बी एंड सी, बी और सी ने लिया बट किस रेशो में लिया, 3:2 में लिया। क्लास अब जो ब्रैकेट वाला मैं पढ़ने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ मैं। ए रिटायर्स सेलिंग इट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी एंड सी, उसका जो शेयर था वो 8400 था जो कि उसने बी और सी में बांट दिया 5040 में और 3360 में, 3360 में इन दोनों में बांट दिया। अगर इन दोनों को भी मैं काटू ना क्लास ये देखो तो मेरा रेशो 3:2 ही आएगा जो कि आपको ऊपर भी गिवन है, वो उसने खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए ब्रैकेट में डाला है, समझ में आई बात, ठीक है। और वैसे भी आपको गिवन है कि बी और सी कितने में लेकर गए, 3:2 में लेके गए, यहाँ कितने में लेके गए थे, 3/7 और 4/7 में। तो सिंपल है बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन, ए का शेयर कितना था 4/7 था, 4/7 था, 4, 5, 6 और 1 7 4/7 का इसने कितना लिया 3/5 और किसने लिया, बी ने लिया 3/5 और सी ने लिया 2/5। कितना कितना लिया, बी ने लिया 3/5 और सी ने लिया 2/5, दोनों को इंटू कर दो यानी कि हमारा रेशो आ गया 12:8 दैट इज योर 3:2। समझ में आई बात, ये तो निकल गया गेनिंग। अब हमें न्यू निकालना है, न्यू के लिए क्या करोगे ओल्ड प्लस गेनिंग कर दो। ओल्ड कितना था इसका कितना था 2/7, बी और सी का निकालेंगे ना, ए तो रिटायर हो गया 2/7 ठीक है 2/7 प्लस न्यू कितना आया था 12/35 दोनों को ऐड करो एलसीएम लो योर आंसर विल बी 22/35। इसी तरीके से सी का निकालना है, ओल्ड कितना था 1/7 ठीक है लिख दिया और न्यू कितना था 8/35 तो ये 8/35 यहाँ लिख दिया, दोनों को ऐड करो एलसीएम लो योर आंसर विल बी 13/35। सो योर न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी क्या हो गया 22:13, कितना हो गया 22:13। दोनों केसेस समझ में आ गए अच्छे से, एक केस और देखते हैं फिर हम लोग हमारे टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन उठाएंगे। यस क्लास, हम लोगों ने हमारे दो केसेस देखे, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, उसमें से एक केस मैंने आपको इतनी अच्छी ट्रिक भी बता दी कि उसमें आपको निकालने की जरूरत ही नहीं, अगर आपके पास बड़े क्वेश्चन में उस टाइप का केस आता है तो, कि जिस केस में आपको कोई भी चीज गिवन नहीं होती उसमें आपका जो बचा हुआ पार्ट होता है, जो बचा हुआ शेयर होता है वही गेनिंग होता है और वही न्यू रेशो होता है। अब हम लोग हमारा थर्ड केस देखते हैं क्लास, व्हेन द न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज गिवन। इस बार आपका न्यू पार्टनर न्यू शेयर गिवन है, पिछली बार केस में क्या था गेनिंग शेयर गिवन था, इस बार क्या गिवन है न्यू शेयर गिवन है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है कि न्यू क्या कहते हैं गेनिंग के लिए न्यू माइनस ओल्ड करना, कुछ करना ही नहीं है। एबीसी पार्टनर है 3:3:2 उनकी रेशियो है, बी रिटायर हो गया तो बी को हम क्रॉस कर देते हैं पढ़ते के साथ ही। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखी है ए और सी की वो दे रखी है 5:3 दे रखी है। फाइंड गेनिंग रेशियो कुछ नहीं करना क्लास, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं नो डाउट, आपको उठा के खाली फॉर्मूले में डालना है। गेनिंग शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। इस वीडियो में अगेन रिपीट कर रही हूँ, डोंट यूज शॉर्टकट्स इन योर स्कूल और इन योर एग्जाम्स और इन योर बोर्ड एग्जाम्स क्लास, शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी किसी भी टीचर के कोई भी टीचर आपको अलाउ नहीं करेगा कि यू आर यूजिंग अ शॉर्ट फॉर्म्स, क्लियर है। सो ए ने कितना गेन करा, न्यू कितना है ए का 5/8 और ओल्ड कितना है ए का, ओल्ड कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा ना, ये देखो 3:2 है तो इसका क्या हो गया 3/8 हो गया, बी तो रिटायर हो गया इसका हो गया 2/8 तो इसका न्यू कितना हुआ किसका सी का, बी रिटायर हो गया, एक तो हमने ए का निकाल लिया फिर हम सी का निकालेंगे, सी का नहीं हो गया 3/8 और ओल्ड हो गया 2/8 ठीक है मैडम, हम लोगों ने माइनस कर दिया एलसीएम से आया हमारा 2/8 और 1/8 सो योर गेनिंग रेशियो विल बी 2:1। समझ में आया, कुछ नहीं करना जस्ट आपको फॉर्मूले में पुट करना, आपको खाली ये पता होना चाहिए कि हम लोग नीचे टोटल लेते हैं और ऊपर हमारा जो उनका शेयर होता है वो लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया 3, 6 और 2 8 तो 3/8 और 2/8 ये आपका ओल्ड हो गया और न्यू हो गया 5/8 और 3/8। तो ये 3 केसेस थे। अब मैं कुछ 2 क्वेश्चन आपके आपकी बुक से भी उठाती हूँ, टीएस ग्रेवाल से भी, उन दोनों को भी समझाती हूँ आपको ताकि आपको बुक के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना हो। मैंने पहला क्वेश्चन उठाया टीएस ग्रेवाल का, क्वेश्चन नंबर 7, कुमार लक्ष्य मनोज एंड नरेश 4 पार्टनर्स थे जिनकी रेशो थी 3:2:1:4। कुमार रिटायर्स, ओहो मतलब 3 वाला गया, कुमार रिटायर हो गया ओके। हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय, किसने लिया लक्ष्य एंड मनोज, मतलब नरेश को तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, किसने ले लिया, अगर मान लो एक पिज्जा है
चार फ्रेंड्स खा रहे हैं इसको, ठीक है। तो जब चार फ्रेंड्स खा रहे हैं, एक जो था उसके हिस्से आ रहा था तीन, मतलब ये आ रहा था आपका कुमार के हिस्से तीन, दो आ रहा था आपके किसके हिस्से, लक्ष्य के हिस्से, ये दो स्लाइस आ रही थी लक्ष्य के हिस्से, एक स्लाइस आ रही थी आपकी किसके हिस्से, मनोज के, ठीक है, ये एक हमने मनोज को दे दिए, बाकी के चार चार आ रहे थे किसके, नरेश, 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 नरेश और नरेश। ये मैंने पिज्जा बना दिया, उसमें आपकी स्लाइसेस बांट दी मैंने। अब क्या हुआ कि कुमार जो है वो बोला कि मुझे रिटायर होने हैं, तो इसके कितने स्लाइसेस हो गए, तीन स्लाइसेस हो गए। अभी जो तीन स्लाइसेस है ना क्लास, और टोटल कितना है, टेन है, टोटल टेन में से वो तीन स्लाइसेस ले रहा था, तो जो तीन स्लाइसेस हैं, इसने बोला कि मैं जो अपना हिस्सा दे रहा हूँ, हिज शेयर इज एक्वायर्ड, उसका हिस्सा किस किस ने लिया, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य और मनोज ने, यानी कि आपका लक्ष्य ने और मनोज ने, बस यहां तक इन दोनों पार्टनर्स ने। नरेश को कुछ नहीं हुआ, उसको बोला भाई तू साइड हो जा, तू अपने चार स्लाइसेस खा ले, हमारे बीच में मत आ। और इन दोनों ने जो लिया वो किस रेशो में लिया, 3:2 रेशो में, यानी कि 3/10 का 3:2, यानी कि 3/10 का इसने कितना ले लिया, 3/5, किसने, लक्ष्य ने और मनोज ने ले लिया 3/10 का 2/5। सही कह रही हूं मैं, यही करते आए हैं लास्ट उसमें चैप्टर में भी हम लोग यही करते थे, तो वही चीज यहां करनी है क्लास, ध्यान से देखिए। पहले तो आप अपने चारों पार्टनर्स के नाम लिखिए, कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश। इसमें से कुमार को कट कर दीजिए, कुमार तो गया, मतलब इसका शेयर गया, तो इसका कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब लिया किसने, लक्ष्य और मनोज ने, और लक्ष्य और मनोज के में हम प्लस करके लिख देंगे इसके शेयर का 3/5 और कुमार के शेयर का 2/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 19/50 और 11/50। और नरेश का क्या रहा, 4/10, नरेश को तो कुछ मिला ही नहीं, लेकिन मैंने आपको समझाया था कि हम रेशो तो जब लिख सकते हैं जब इनका डिनोमिनेटर इक्वल हो। अब इन दोनों का 50 आ रहा है, इसका 10 आ रहा है, क्या आप लिख सकते हैं रेशो, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें नरेश का डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर कितना है, 50 है, और 10 को मैं किससे इंटू करूँ कि 50 आ जाए, 5 से, तो ऊपर भी मुझे 5 से इंटू करना पड़ेगा 20, यानी कि योर रेशियो विल बी 19:11:20। और गेनिंग तो आपको गिवन ही थी, उन लोगों ने कितना गेन किया था, 3:2 गेन किया था, तो गेनिंग रेशियो 3:2। समझ में आ गया क्वेश्चन, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 8। एबीसी पार्टनर्स है, रेशियो है 8:4:3। अब इस बार बी रिटायर हो रहा है, जी लगा दिया मैंने काटा बी पे, एंड हिज शेयर इज टेकन अप इक्वली बाय एनसी। इस बार पिछली बार क्या था, 3:2 में एक्वायर कर रहे थे, इस बार क्या करा है, इक्वली लिया है 4/15 का। क्यों, क्योंकि आपका रेशियो है 4:8:3, इसका टोटल हो गया 15 और इसका शेयर कितना था, 4 था, तो 4/15 का इक्वली लिया। इक्वली निकालना मैंने आपको एडमिशन वाले चैप्टर में सिखाया था कि इंटू 1/2 कर देते हैं हम लोग। तो इस बार तो है ही तीन पार्टनर्स और ए और सी दोनों ले रहे हैं, तो बी को तो मैंने क्रॉस कर दिया, माइनस कर दिया इसका हिस्सा, तो इसका तो कुछ बचा नहीं, तो किसका बचा, ए ने लिया 4/15 का हाफ, सी ने लिया 4/15 का हाफ। सॉल्व करेंगे, योर आंसर विल बी 20/30 एंड 10/30, 0 से 0 कट गया, सो योर न्यू रेशियो विल बी 2:1। सो क्लास, हम लोगों का यहाँ पे पहला पॉइंट खत्म होता है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने लगभग आपको 3-5 क्वेश्चंस करा दिए हैं और बहुत अच्छे से कराए हैं कि इन्हीं के बेसिस पे आपके आगे क्वेश्चंस आएंगे। अब हम लोग हमारा सेकंड पॉइंट उठाते हैं, गुडविल वाला, उसे भी ध्यान से सुनिएगा। यस यस क्लास, अभी हम लोगों ने क्या देखा, हमारा हम लोगों ने न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो देखा। अब हम लोग हमारा सेकंड पॉइंट उठाने जा रहे हैं, जो हमने 7 पॉइंट्स देखे थे हमारे, उसमें से सेकंड पॉइंट था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। सो क्लास देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग रिटायरमेंट वाले चैप्टर में कैसे करते हैं, अगर कोई पार्टनर चला जाए तो हम कैसे ट्रीट करेंगे गुडविल। अब देखो हम लोग कितने वो है ना कि जब कोई पार्टनर जो है फर्म के अंदर आता है तो हम उसको बोलते हैं कि लाला भाई तू क्या लेकर आया है, क्या प्रीमियम लेकर आया, तो हम उसे छीनते हैं लेते हैं। उसी तरीके से जब कोई पार्टनर जाता है ना तो उसकी गुडविल यानी कि उसकी मेहनत का पैसा उसे दिया जाता है, जब आता है तो लेते हैं और जाता है तो देते हैं। वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है जा रहा है तो उसका उसकी मेहनत का कितना पैसा है जो उसे हमें देना है वो हम लोग इसमें निकालना सीखेंगे। तो किस तरीके से निकालना सीखेंगे, देखिए इसके अंदर तीन तरीके हैं क्लास, जिसमें से दो मैं अभी बता रही हूँ, फिर उसके बाद इसके बाद इसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके फिर हम तीसरा तरीका देखेंगे।
सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल दैट इज अपियरिंग बैलेंस शीट शेल बी रिटर्न ऑफ अमंग ऑल द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. अभी तक हम लोग यही करते आ रहे हैं. एडमिशन वाले चैप्टर में क्या करते थे, जो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर हमें गुडविल गिवन होती थी वो अपियर्ड थी ऑलरेडी पहले से, उसको क्या करते थे, जो फर्म के अंदर, जो हमारे फर्म के अंदर मान लो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, सी एंटर कर रहा है, एडमिशन की बात कर रही हूँ, तो ए और बी दोनों जो है वो उस गुडविल को बांट लेते थे आपस में, यही करते थे और ओल्ड रेशियो में बांटते थे, यही करते थे ना. बट इस बार क्या है, इस बार इनके फॉर्म में सी भी है, इस बार सी भी है, सी तो इस बार जा रहा है, तो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स तो तीनों हुए ना, तो तीनों बांटेंगे और ओल्ड रेशियो में बांटेंगे. वही यहाँ पे लिखा है कि अपियर इन बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट के अंदर से ऑलरेडी गिवन है आपके पास गुडविल, उसको हम राइट ऑफ करेंगे ऑल पार्टनर्स, यानी कि जितने पार्टनर्स है, इट मींस रिटायरिंग पार्टनर को भी दिया जाएगा इन ओल्ड रेशियो. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि एज अकाउंट, बीज अकाउंट, सीज अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स है, टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, बीइंग रिटर्न ऑफ गुडविल अकाउंट, ठीक है ना. सेकेंड केस जो है ना क्लासेस के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, गुडविल इज वैल्यूड एट डैश डैश डैश, यानी कि कोई भी अमाउंट दे रखी है आपको कि गुडविल की वैल्यू जो है वो इतनी है, दैट इज गिवन इन एडजस्टमेंट. ये आपको किसमें गिवन होती है, एडजस्टमेंट में गिवन होती है. स्टेप नंबर वन, इसको कैसे निकालेंगे, पहले आप निकालेंगे फर्म की गुडविल और उसके बाद निकालेंगे रिटायरमेंट पार्टनर की गुडविल. कैसे निकलेगी, कैलकुलेट रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स गुडविल ऑफ द फर्म इनटू हिज शेयर. कैसे करेंगे कि जो गुडविल दे रखी है ये आपको ऑलरेडी फर्म की दे रखी है, निकालने की जरूरत नहीं है. ये तो अच्छा हो गया कि हमें फर्म की गुडविल ऑलरेडी गिवन है, हम लोग इसको इनटू कर देंगे किससे, उसके शेयर से. फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ उसका शेयर 1/2 है जो रिटायर हो रहा है, तो 1/2 से उसको इनटू कर दिया, क्या आया, उसका शेयर आ गया जो रिटायर हो रहा है उस पार्टनर का, ठीक है. स्टेप नंबर टू, गेनिंग पार्टनर्स. स्टेप नंबर टू में हम जर्नल एंट्री करेंगे. जर्नल एंट्री क्या होती है इसकी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स. क्लास 99% होता है आपका कि सारे परसेंट गेन करते हैं जब कोई पार्टनर जाता है तो, लेकिन बाई चांस 1% ऐसा भी होता है कि कोई सेक्रीफाइस कर जाए. इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया. ये स्टार लगाने का मोटिव मेरा यही था कि हो सकता है 1% कोई ऐसा पार्टनर हो जो सेक्रीफाइस भी कर रहा हो उसके जाने से, तो वो क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा. याद रखना इस चीज को, मैंने इसीलिए स्पेशली यहाँ पे स्टार लगाया है और उसको क्रेडिट में लिखा है टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स. अदरवाइज आपकी इसकी जर्नल एंट्री होती है गेनिंग टू रिटायरिंग, ठीक है. अब इसके बेस पे हम लोग हमारा एक बुक का क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपका टीएस ग्रेवाल का. देखिए क्लास, एल एम एंड ओ तीन पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो है 4:3:2. एम रिटायर, लो भाई काट दिया मैंने एम को, एम चला गया हमारी फॉर्म से. द गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000. फॉर्म की गुडविल कितनी है, 72,000 है, ठीक है. कैलकुलेट एम शेयर ऑफ गुडविल, हमें एम की शेयर निकालनी है. एंड पास जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, पास हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है, यानी कि हम लोगों को सेकेंड वाला केस गिवन है. यहाँ पे कोई भी हमें अपियर्ड गुडविल नहीं दे रखी है, हमें सिर्फ सेकेंड वाला केस करना है. एल एंड ओ डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 5:3. अरे वन न्यू रेशो भी हमें गिवन है, तो और अच्छा हो गया. सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि गेनिंग रेशो निकालनी है, मतलब अपनी कसम खा लीजिए, शपथ ले लीजिए कि हम जब भी इसका कोई भी क्वेश्चन करेंगे रिटायरमेंट का, सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालेंगे. सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तीनों पार्टनर्स का नाम, एल एम और ओ, जो रिटायर हो रहा है उसको मैंने क्रॉस कर दिया, चल भाई तुम तो रिटायर हो रहे हो, हट जाओ, ठीक है. आगे उसने बोला कि जो ओल्ड रेशो है, हम लोग हमारे पुराने पैटर्न पे ही चलते हैं, ओल्ड माइनस न्यू पे, घबराओ मत. माइनस में आ रहा है तो गेन कर रहा है, प्लस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने पुराने उस पे चलो, डरने की जरूरत नहीं है कि अब उसका फॉर्मूला याद करो, अब उसका करो, अपने उसी पैटर्न पे चलो. तो हम लोग उसी पे चलेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे. ओल्ड कितना था, 4/9 और 2/9, तो मैंने 4/9 और 2/9 लिख दिया, इसमें से माइनस कर दिया न्यू. न्यू कितना था, 5/8 और 3/8, तो 5/8 और 3/8 माइनस कर दिया, इट मीन्स आपका एल का आया 13/72 और ओ का आया 11/72, यानी कि इनका हमारा गेनिंग कितना निकल गया, 13:11 निकल गया, 13:11, ठीक है. अब गुडविल ऑफ द फर्म जो है आपकी कितनी आ जाएगी, सॉरी ये उसकी आ जाएगी रिटायरिंग की, गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर की कितनी आ जाएगी, 72,000 थी इनटू जितना उसका शेयर था, उसका शेयर कितना था, 3/9 था ना उसका शेयर, तो 3/9 हो जाएगा, गुडविल कितनी आ गई उसकी, 24,000. अब क्या करेंगे, वो दोनों 24,000 अपनी अपनी रेशो में बांट लेंगे 13:11 में. क्लासेस के दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि जितना उसका शेयर आया, जितना भी उसका शेयर आया उसको उन्होंने अपने गेनिंग रेशो में बांट लिया, पहला.
दूसरा जो कभी गलती नहीं हो सकता, पहला तरीका ये बता दिया मैंने, यानी कि ये आपका आ रहा है 13,000 और ये आपका आ रहा है 11,000। चलो मैं पहले एंट्री कर देती हूँ आपकी, किस किस की है, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन कर रहा है, ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जा कौन रहा है, एम, एम्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ आपकी जर्नल एंट्री आ जाएगी। अब देखो ध्यान से देखना, 13,000 मैंने क्या करा, उसके शेयर को दोनों में बांट दिया, 13,000 और 11,000, और टोटल कितना था, 24,000। एक तरीका तो ये है आपके पास क्लास। दूसरा एक यूनिवर्सल तरीका बता रही हूँ जिससे आपको क्वेश्चन कभी गलती नहीं हो सकता, वो तरीका क्या है कि जो आपकी गुडविल गिवन है ना, उस गिवन गुडविल को इनटू कर दो, किससे, जो उन लोगों का, जो उन लोगों का शेयर निकला है उससे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ना, जो बच्चों के पार्टनर्स हैं, उनके शेयर से जो आपकी गुडविल गिवन है उसको इंटू कर दो, आपका आंसर 13,000 और 11,000 ही आएगा, और ये आंसर आपका हमेशा एक्यूरेट ही रहेगा। समझ में आई, दो तरीके हैं, मेरे हिसाब से आपको ये वाला तरीका अपनाना चाहिए। इसमें हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो, क्या हो जाए क्या ना हो जाए, लेकिन आपको ये वाला तरीका अपनाना चाहिए, आपका यूनिवर्सल है। बाकी आप ये भी ले सकते हैं, नो इशू, दोनों में से कोई भी तरीका अपनाइए, बट ये आपका ये है कि करेक्ट आएगा ही आएगा आंसर, कि जितनी आपकी गुडविल है, जितनी आपकी गुडविल गिवन है उसको इंटू कर दीजिए जितना उनका शेयर है उससे। अब आगे की क्वेश्चंस इन्हीं के बेस पे देखते हैं, फिर हिडन गुडविल भी देखेंगे। यस क्लास, अब हम लोग हमारे अगले दो क्वेश्चन और उठाते हैं। मैंने बोला था कि अभी हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 17 उठाया है आपकी टीएस ग्रेवाल का ही। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, हनी पनी एंड सनी, घर के नाम होते हैं, घर के नाम होते हैं ना, हनी पनी एंड सनी, रेशो है 3:2:1, गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक एट द वैल्यू ऑफ ₹60,000। उनकी कितनी गुडविल है, 60,000 है, जो ऑलरेडी अपियर्ड है, ये कौन सा आ गया, केस नंबर 1 जो हमने भी करा था। पम्मी रिटायर्स, ओह पम्मी रिटायर हो गई, ठीक है, एंड एट अ टाइम ऑफ पम्मी रिटायरमेंट, उसके रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल जो है वो 84,000 की थी, यानी कि ये केस आ गया केस नंबर 2 जो अभी हम कर कर आए हैं। हनी एंड सनी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 2:1, उन्होंने क्या शेयर, क्या डिसाइड करा कि फ्यूचर प्रॉफिट क्या होगा, 2:1, जनरल एंट्री निकालनी है, ठीक है। पहले हम लोग जो पुरानी गुडविल है वो बांट ले आपस में, क्योंकि भाई उसका भी तो शेयर है ना उसमें, उसने भी तो मेहनत करी है, तो ठीक है हम पहले 60,000 को बांटते हैं। केस नंबर 1 की क्या एंट्री बताई थी, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, एच, मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ले लिया, यानी कि हनी को एच, पन्नी को पी और सनी को एस, तो एच कैपिटल अकाउंट, पी कैपिटल अकाउंट और एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 60,000 थी, ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगी 3:2:1 में, 30, 20 और 10,000, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है कि पम्मी रिटायर हो रहा है, मैंने आपको क्या बोला है, वर्किंग नोट में पहले तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लो, हनी पन्नी एंड सनी, इसको फिर जो रिटायर उसको रिटायर हो रहा है उसको क्रॉस कर दो, यानी कि पन्नी रिटायर हो रहा है उसको क्रॉस कर दिया, ओल्ड माइनस न्यू करो, ओल्ड कितना शेयर है, 3/6, 2/6, 1/6, 3/6, 2/6, 1/6 माइनस कर दो न्यू, न्यू किस किस का है, हनी और सनी का, तो 2/3 और 1/3 माइनस कर दिया, और जो ये हमारा रिटायर, जो रिटायर पार्टनर होता है उसका जो गैप होता है उस गैप के अंदर हम उसका शेयर निकाल लेते हैं। कैसे, टोटल कितना था, 84,000 थी गुडविल, इंटू उसका शेयर, उसका शेयर कितना था, 2/6, तो उसकी कितनी आ गई गुडविल, 28,000 आ गई, 28,000 आ गई ना, तो अब ये देखो माइनस में आ रहे हैं दोनों के, -1/6, -1/6, तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी पीछे बताए थे दो तरीके, उसमें से मैं ये वाला तरीका यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ कि जो आपकी गुडविल गिवन होती है उसको रिमेनिंग पार्टनर्स के शेयर से इंटू कर दो, तो गुडविल कितनी थी, 84,000, रिमेनिंग पार्टनर का जो गेनिंग शेयर आया वो 1/6 आया, तो मैंने इंटू कर दिया, इसका 14,000 आ गया, किसका, सन्नी का भी 14,000 आ गया, तो यहाँ मैंने एंट्री डाल दी, दोनों गेन कर रहे हैं, एंट्री क्या थी, गेन इन टू रिटायरिंग और टू सेक्रीफाइसिंग, लेकिन यहाँ कोई सेक्रीफाइस तो कर ही नहीं रहा, दोनों गेन कर रहे हैं, मैंने कहा था 99% केस में गेनिंग ही आएगा, तो गेनिंग कौन था, एच कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट टू पी, यानी कि पन्नीज कैपिटल अकाउंट, पन्नी का कितना था, 28,000, इन दोनों का कितना कितना आया था, 14,000 और 14,000, समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों के लिए एक सेक्रीफाइसिंग का भी केस करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, ताकि प्रॉब्लम ना हो, जल्दी देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है टीएस ग्रेवाल का अगेन। एबीसी जो है पार्टनर्स है, 6:5:4 उनकी रेशो है, देयर कैपिटल, कैपिटल दे रखी है 1,80,000 और 60,000, ओके,
ऑन 1st अप्रैल 2019 ए रिटायर, इस बार कौन रिटायर हो गया, ए रिटायर हो गया, एंड द न्यू रेशियो बी और सी ने डिसाइड करी है कितनी 1:4, तो गेनिंग निकाल लोगे, ओल्ड माइनस न्यू कर लोगे। ऑन ए'ज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी, 1,80,000 थी, ठीक है। शोइंग कैलकुलेटिंग कैलकुलेशंस क्लियरली एंड जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन ए'ज रिटायरमेंट, ठीक है। क्या करोगे, थोड़ी सी जगह पहले ऊपर छोड़ा करो जर्नल एंट्री की, फिर नीचे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में तीनों पार्टनर्स का नाम लिख दिया, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड इको 6/15, 5/15, 4/15, रिटायर कौन हो रहा है ए, उसके आगे क्रॉस लगा दिया। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, जो रिटायर हो रहा है उसके सामने उसकी गुडविल निकालो, कितनी थी 1,80,000, तो 1,80,000 को उसके शेयर से इंटू कर देंगे हम लोग, कितना आया आपका उसका गुडविल का शेयर 72,000, ठीक है। अब जो बी और सी है जो बचे हुए हैं उनको माइनस कर देंगे न्यू, ओल्ड माइनस न्यू ही तो करते हैं, ओल्ड हमने लिखी रखी है, न्यू को माइनस कर देंगे, न्यू कितना है 1/5 और 4/5 माइनस कर दिया। अब उसके बाद हमारा आया 2/15 और -8/15, क्लास इस बार आपका बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, क्योंकि उसका आंसर पॉजिटिव आया है तो वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और सी क्या कर रहा है, माइनस आया उसका आंसर तो वो गेन कर रहा है, राइट। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है वो आपका क्रेडिट में आता है, तो यानी कि बी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो डू बीज कैपिटल अकाउंट, और अगेन वही आपका स्टेप की इनको इंटू कर दो, जितना आपका सॉरी गुडविल आपकी गिवन है 1,80,000 और 1,80,000, योर आंसर विल बी ये आ जाएगा बी का 24,000 और इसका आ जाएगा सी का 96,000। तो यहां पे लिख दीजिए, बी का लिखिए, बी का कितना है 24,000, ए का कितना था 72,000 और सी का कितना आया है 96,000। समझ में आया, जब अगर सेक्रीफाइसिंग का केस आएगा तो हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप, है ना। मैंने अब आपको सारे केसेस समझाए, एक लास्ट केस और समझिए, हिडन गुडविल का केस। सो क्लास अब हमारा लास्ट केस आ रहा है हिडन गुडविल का, फिर हमारे इस चैप्टर के दो पॉइंट खत्म हो जाएंगे, आपका न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और मैं ये होप कर रही हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए क्लास, हिडन गुडविल, हिडन गुडविल हम लोगों ने एडमिशन चैप्टर में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे उसका थोड़ा सा अलग है, वो देखते हैं कि क्या अलग है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल लमसम पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर की उसको कितना पे करना है, उसमें से माइनस करेंगे रिटायरिंग पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस की, उसका एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस कितना बना है। तो ये आपका हिडन गुडविल का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ये आपका बुक का ही एग्जाम्पल उठाया मैंने, क्वेश्चन नंबर 19। सो क्लास देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, टीएस ग्रेवाल का एबीसी पार्टनर है 4/9, 3/9 और 2/9 उनके रेशियो, तो साफ साफ क्लियर हो गया 4:3:2, आपको इसमें एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है। बी रिटायर्स, कौन रिटायर हो गया, बी, एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, ध्यान से सुनना, उसकी कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद एंड रिजर्व्स प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड एट 1,39,200। फर्म है, फर्म में तीन पार्टनर थे, अब बी बोल रहा है कि भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरे 1,39,200 रुपीज दे दो भाई फटाफट से, गुडविल के मैं जा रहा हूँ, 1,39,200 रुपीज दे दो कैपिटल के, मैं तो जा रहा हूँ। उसने ये बात बोली कि भाई मेरे इतने पैसे बनते हैं, तुम मुझे इतना दो और मैं निकलू यहाँ से। ए एंड सी एग्रीड टू पे हिम 1,50,000, अरे वाह, ए और सी ने मिलके कहा कि नहीं भाई हम तो तुम्हें 1,50,000 रुपए देंगे, उसने कहा मुझे 1,39,200 चाहिए, जब घर गया, घर जाके देखा तो लिफाफे में तो निकले 1,50,000, अरे वाह, मतलब आपके 10,800 रुपए कहां से आ गए उसके एक्स्ट्रा। आगे क्या बोल रहा है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, उसके क्लेम की यानी कि सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, सब कुछ करने के बाद उसके 1,50,000 रुपए बनते थे, लेकिन उसको ये पता था कि उसके पैसे बन रहे 1,39,200, लेकिन अब जो आपका आंसर आया, मतलब इसको माइनस करके जो बीच का पैसा था जो उसे नहीं पता था 10,800, ये थी उसकी हिडन गुडविल, क्या थी, हिडन गुडविल। देख लीजिए फॉर्मूला ही लगाया मैंने, उसका लमसम माइनस उसका कितना एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस था, उसको लमसम कितना दिया गया उसमें से माइनस कर दिया कि उसका कितना एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस था, तो आपका आंसर आ गया हिडन गुडविल का 10,800। फिर वही अपना पूरा पुराना केस, क्या तीनों का नाम लिखिए, एबीसी
ओल्ड माइनस न्यू शेयर जो रिटायर हो रहा है उसके आगे क्रॉस लगा दीजिए। इस बार तो हमें कुछ निकालना नहीं है, क्यों? क्योंकि इस बार आपका हिडन था और हिडन हम लोग निकाल चुके हैं। फिर ओल्ड था आपका कितना 4/9 और 2/9, 4/9 और 2/9 माइनस कर दीजिए। न्यू कितना है, देखिए उन्होंने न्यू दे रखा है, कहां गया एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिवाइडेड 5:3, तो 5/8 और 3/8 माइनस कर दीजिए। दोनों का माइनस में आ रहा है, मींस दोनों गेन कर रहे हैं। तो गेन कितना कर रहे हैं, 13/72 और 11/72। दोनों को अगेन वही जितनी गुडविल है उससे इंटू कर दीजिए, 10,800। योर आंसर विल बी, ए का तो आ जाएगा 5,850 और बी सी का आ जाएगा, सी है ना, सी गेन कर रहा है 4,950। समझ में आई बात? तो दोनों का हम लोगों ने शेयर निकाल लिया। आपकी एंट्री क्या थी, गेनिंग टू रिटायरिंग, दोनों गेन कर रहे हैं, एज कैपिटल बी सी कैपिटल टू बी, क्योंकि बी आपका रिटायर कर रहा था और मैंने इनकी अमाउंट इनके यहाँ पे पोस्ट कर दी। इसकी कितनी थी टोटल, 10,800। सो क्लास, यहाँ पे मैंने आपको आज तक आज की वीडियो में अपने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करे हैं। एंड आई होप, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया सो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको क्या पॉइंट समझ नहीं आया। इसीलिए मैं आप लोगों की टीएस ग्रेवाल की ही बुक के क्वेश्चन उठाती हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी ना हो। थैंक यू क्लास, सब्सक्राइब करना ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके मेरी।